काला से गोरा हो गया। गोइठे पे खाना तो हमारे पुराने जमाने से ही, तो पूर्वज मतलब 100 हजार साल 2000 साल पहले से लोग खाते आ रहे हैं गोइठे पे। तो उसको आप मत बोलिए कि गोइठे पे काऊ डंक है, ये है, वो है। तो वो आप पुराना जाके इतिहास पढ़िए पहले, तब आके कमेंट करिएगा। लिट्टी का तरीका ही यही है, इसके अलावा और कोई लिट्टी का तरीका है ही नहीं। बाकी लिट्टी कहलाएगा। अभी देख सकते हैं मौसम बड़ा ही मस्त हो रखा है, ऊपर देखिए। और ये अभी आरजेडी के ऑफिस के जस्ट सामने आ गए हैं। यहाँ पे मिलता है आपको देसी स्टाइल वाला लिट्टी चोखा, मतलब आपको गोइठा पे वाला लिट्टी चोखा खाने के लिए मिलेगा, जो कि आपको बारिश के टाइम में खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे बनता है, और भैया से बात करेंगे कि कब से बना रहे हैं, कितना पुराना दुकान है। और सुनने में आया कि यहाँ लालू प्रसाद यादव भी आते थे खाने, क्योंकि जस्ट देख सकते हैं उधर सामने में लालू प्रसाद यादव जी का आपका आवास है, आरजेडी ऑफिस है, तो वहाँ से जस्ट सामने में पड़ता है। और ये बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट लगता है खाने में। और बगल में मिलर स्कूल है, तो मिलर स्कूल के जस्ट पास में, पूरा डिस्क्रिप्शन में, पूरा लोकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए चल के टेस्ट करते हैं और पूरा मेकिंग देखते हैं। तो ये प्योर चना का सत्तू है, ये देखिए लिट्टी में भरने के लिए लगाया जाएगा। चना मतलब रोस्टेड चना होता है, रोस्टेड चना को उसको पीस लिया जाता है, फिर पाउडर बनाया जाता है। थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है। ये क्या जा रहा है? ये काली मिर्च है। ये देखिए काली मिर्च, गोलकी बोलते हैं इसे हिंदी में। ये स्वाद अनुसार नमक। ये जा रहा है अब इसमें सरसों का तेल, तो कच्चा सरसों का तेल डाला जाता है, इसे थोड़ा सा रॉडनेस का फील आता है, मतलब मस्त लगता है, ये अलग ही टेस्ट देता है। ये क्या क्या है इसमें? इसमें अदरक है, लहसुन है, मरचा है। तो ये तीनों चीज का पेस्ट है, अदरक लहसुन मिर्च का, वही पेस्ट नहीं है। इस पे क्या चीज पे कूटे हैं? खल में कूटा हुआ है, ये खल में कूट के बनाया गया है, ये नहीं कि मिक्सी में पीस दिया गया। तो इसे अच्छे से मिक्स किया जाएगा, फिर उसके बाद डाला जाएगा लिट्टी में, जो आटे का डो होता है उसमें डाला जाएगा। ये देखिए इसमें धनिया पत्ता डाला जा रहा है। तो ये सारा का सारा सत्तू ये आटे के डो में भरा जाएगा ऐसे ऐसे गोल गोल करके। तो ये सबसे पहला स्टेप है, फटाफट काम हो रहा है, जल्दी जल्दी ये लोई बना के फेंक रहे हैं इधर से, ये भरते जा रहे हैं और ये इधर रेडी होते जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सत्तू का जो फीलिंग है, सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा मिलता होगा खाने के, लेकिन यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से भरा जा रहा है। ये देखिए लिट्टी तैयार हो चुका है बनके, अब बस उस जो आग पे लगा हुआ है वहाँ आग पे जाएगा। ये देख सकते हैं बैगन को भी गोइठे के आंच पे ही पकाया जा रहा है। बैगन जो है फ्राई होके रेडी हो चुका है, यहाँ पे पक चुका है अच्छे से, तो आग पे फ्राई किया जाता है डायरेक्ट। ये देखिए भैया टमाटर लेके आ गए हैं, अभी से टमाटर को अच्छे से पकाया जाएगा। तो चोखा में आपको देखने के लिए मिलेगा टमाटर, बैगन, आलू मिलेगा और कच्चा प्याज, और उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। तो चलिए आगे उसे दिखाते हैं। ये देखिए बैंगन को अच्छे से छील लिया जा रहा है, जो ऊपर का कालिक है, जो ऊपर से काला काला लगा हुआ, उसको निकाल के अच्छे से, फिर इसके बाद ये आलू का जो पेस्ट बना है उसमें डाला जाएगा। तो चोखा बनाने का ये भी इनका बहुत ही यूनिक तरीका है। ये क्या है इसे कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। तो इसी तरह से बारी बारी से काट काट के भैया बीच में देखते रहेंगे और इसमें आलू में जाएगा इधर डायरेक्ट। तो ये देख सकते हैं टमाटर हो गया है रेडी बिल्कुल। तो ये देखिए लिट्टी बनाने के लिए गोइठा लगाया गया है, इसे अच्छे से हवा दिया जा रहा है कि आग पकड़ ले जल्दी से जल्दी। तो ये अच्छे से आग पकड़ लिया है। तो एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले गोइठा को जो आग अच्छे से लगा लिया जाता है, पूरा अच्छे तरीके से जला लिया जाता है, फिर उसके बाद तोड़ के जब हल्का आँच हो जाता है तब उस पर लिट्टी चढ़ाया जाता है। तो आगे जब चोखा बन रहा है तो वो दिखाते हैं आपको कैसे बनता है, फिर उसके बाद लिट्टी दिखाते हैं।
तो ये देख सकते हैं टमाटर जा रहा है इस चोखे में, इसके पहले जा चुका है आपका बैंगन और आलू जा चुका है। ये देखिए अब चौथा में धनिया जा रहा है और क्या क्या जाएगा अभी, मिर्चा लहसुन आदि नमक तेल, तो पूरा इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स किया जाएगा, पूरा देसी अंदाज में बनाया जा रहा है इस चौके को। ये देखिए अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट और ये देखिए कड़वा तेल जिसे सरसों का तेल बोलते हैं, सारा रॉ है, इसमें आपको कोई भी चीज तेल में फ्राई किया हुआ नहीं मिलेगा। इसे अच्छे से मथा जाएगा। चोखा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं पूरा मस्त दिख रहा है। ये देखिए लिट्टी आ गया है, अब इस पर लिट्टी लगाया जाएगा थोड़ी देर में। इसे अच्छे से तोड़ के बिछा लिया जाता है जिसके ऊपर लिट्टी को सेका जाएगा। कितना टाइम लगता है भैया इसको? 15 मिनट। 15 मिनट। ये देखिए कितना तेजी तेजी में काम हो रहा है, तुरंत तुरंत पकने भी लगा है जल्दी जल्दी से, बड़ा जल्दी हो रहा है ये तो। तो देख सकते हैं बहुत मेहनत वाला ये काम है, इसमें पूरा आग में हाथ डाल के एक एक करके पलटना पड़ता है। हाथ नहीं जलता है भैया? हाथ तो जलवे करता है लेकिन क्या कीजिएगा, डेली पलटते पलटते आदत हो गया है। तो इसे राख से अच्छे से ढका जाएगा, ये मत सोचिए कि गंदा रहेगा, इसे अच्छे से फिर बाद में साफ भी किया जाता है। ढकने से क्या होता है ना कि पूरे अच्छे तरीके से पक जाता है ऊपर नीचे हर जगह से। अभी देख सकते हैं कितना लग रहा है कि काला है ये है वो है, लेकिन देखिए कुछ देर बाद इसे अच्छे से साफ कर लिया जाएगा तो पूरा साफ हो जाएगा, पूरे तरीके से गोरा हो जाएगा। इसे अच्छे से हिला के साफ किया जाता है। ये देखिए देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इसमें से धूल है, धूल नहीं राख बोल सकते हैं, राख का जो धूल है वो बाहर आ रहा है। जो आप नॉर्मल लिट्टी खाते हैं कोयले पे वाली, वो बहुत ही आसान है बनाने में, इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, मतलब समझिए चोखा बनाना अलग। ये देखिए लिट्टी आ गया, बाप रे कितना देखिए कितना साफ हो गया, एक बार नज़दीक से देखिए आप। ये देखिए ये देख सकते हैं काला से गोरा हो गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है खाने के लिए, इसका अलग ही टेस्ट आता है, दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, यहाँ पे प्लेट बाई प्लेट लग रहा है। यहाँ पे कुछ कस्टमर खा रहे हैं, तो कितना दिन से आप खा रहे हैं? हम यहाँ लगभग 5-6 साल से खा रहे हैं। कैसा लगता है? लिट्टी चोखा तो बिहार का गोइठा पे बनता है, जैसे पुराने जमाने में मेरी दादी या माँ बनाती थी गोइठे पे खाना, वो स्वाद ये लिट्टी में मिलता है। तो अभी दूसरे कस्टमर से भी पूछ लेते हैं कैसा लगा इनको टेस्ट। देखिए पटना में बहुत जगह लिट्टी मिलता है, हाँ। लेकिन जो लिट्टी घर का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ यहीं पर मिलता है। गोइठा पे वाला ही खाते हैं कि और कहीं भी जाके खाते हैं? लिट्टी होता है गोइठा पे वाला ही, गोइठा पे वाला ये गोइठा पर बनता है लिट्टी, यही होता ही है। और दूसरा लोग लिट्टी बनाता है तो उसमें आप है कि उसको आप तरीके अपने तरीके से बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, जो देसी खाना है यही है। ये सबसे प्राचीन तरीका है, मतलब सबसे पुराना जब से बना, लिट्टी का तरीका ही यही है, इसके अलावा और कोई लिट्टी का तरीका है ही, बाकी लिट्टी कहलाएगा ही नहीं। नहीं उसको आप जैसे बना दीजिए वो लिट्टी नहीं है, लिट्टी ओरिजिनल लिट्टी चोखा गाइस यही है, मतलब आपको गोइठा पे वाला ही लिट्टी चोखा खाइएगा तभी वो लिट्टी चोखा कहलाएगा, ये नहीं कि आप गैस पे बना के खा लिए चाहे कोयला पे बना के खा लिए, लिट्टी यही है। तो खाने के लिए आना है तो आइए आरजेडी ऑफिस के जस्ट सामने मिलता है लिट्टी चोखा दम ओरिजिनल वाला, चलिए मिलते हैं खाने के साथ आपको और टेस्ट करके बताते हैं। तो भैया आपका शॉप का नाम, दुकान का नाम क्या है? नालंदा लिट्टी दुकान। और सुनने में आया यहाँ पे पूरा आरजेडी के नेता लोग आते हैं खाने? हाँ हाँ सब लोग आते हैं। नेता लालू प्रसाद आए हैं कि नहीं? वो नहीं आए हैं, तेजस्वी जी मंगा के खाए हैं। अच्छा तेजस्वी जी मंगा के खाए हैं, गया है उनके आवास पे? हाँ उनके आवास पे गया है, उनके आवास पे खाने के लिए जाता है। तो टाइमिंग क्या है भाई आपका दुकान का, कितना बजे खुल जाता है खाने के लिए? 10:30 बजे खुलता है, 7:00-7:00 बजे बंद रहता है। भैया रेट कितना है लिट्टी का? घी वाला 35 है, सादा 30 है।
फाइनली हमारे पास लिट्टी चोखा आ चुका है। कितना ज्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है, खासकर बारिश भी हो रहा था अभी थोड़ा देर पहले। देख सकते हैं आसपास, दिखाइए बारिश का माहौल। तो ये देखिए बारिश बढ़ गया, पानी हो गया और बारिश अभी जस्ट हल्का हल्का हो भी रहा है। तो अभी से इसे हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगता है। देखिए आपको पहले तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए सत्तू कितने अच्छे से भरा गया है, देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए चोखा में आप देख सकते हैं प्याज दिया गया है अलग से, थोड़ा सा मिर्च दिया गया है चोखा में, देख सकते हैं पूरा घी भी डाल के अच्छे से चोखा लगाइए और एक बाइट बनाइए। ये देखिए एक बाइट बनाइए और इसे खाइए। तो गाइस अल्टीमेट टेस्ट है, मतलब इसका अलग ही टेस्ट है। जो लोग इस लिट्टी का टेस्ट ले चुके हैं ना, वही जानते होंगे कि टेस्ट कैसा है। अगर आप लोग खाए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कैसा लगता है टेस्ट। नहीं खाए हैं तो बिहार आइए और यहाँ जस्ट RJD ऑफिस के सामने आपको मिलेगा ये बेहतर सा लिट्टी चोखा। दिखाइए ये लिट्टी चोखा, इसका अलग ही टेस्ट होता है। मुझसे रहा नहीं जा रहा, एक बाइट और लूँगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसमें ना थोड़ा सा रॉ फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है। जो कच्चा सरसों का तेल देखा था आपने, उसका थोड़ा टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सत्तू का अलग ही चना का टेस्ट आ रहा है, सोना सोना टेस्ट आ रहा है। ऊपर से बारिश हो रखा है वो, और इसे खाने में क्या मज़ा आने वाला है, देख सकते हैं। ओहो हल्का सा प्याज और ये हल्का सा मिर्च। तो बारिश के मौसम में तो अलग ही मज़ा है और ठंड में तो और डबल मज़ा हो जाता है। तो आइए बिहार टेस्ट करिए, तब तक हम इसे खा के ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो जाके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग करते नहीं, जाके कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि लिट्टी चोखा अभी खासकर ट्रेंड में आ गया है इंडिया में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है लिट्टी चोखा बनाने का जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।